गाइस आज गॉड ऑफ वॉर रैग्नारॉक का न्यू ट्रेलर रिलीज हो चुका है और आज हम इस पर रिएक्शन वीडियो बनाने वाले हैं और आज आप और हम मैं एक साथ देखने वाले हैं इस ट्रेलर को और देखेंगे इसमें और क्या क्या एक्स्ट्रा दिखाया गया है। और चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए सबसे पहले और लाइक भी कीजिएगा इस वीडियो को और आइए इसे शुरू करते हैं। लेट्स डू दिस गाइस। एवरीवन कीप्स सीक्रेट्स। Sometimes it's the only way to protect the ones we love. I know you. God killer. What is it you want from me? Is it a god of war you came to find? You don't really want war. Do you, Kratos? All that blood on your hands, on your son's hands. What is it you will not tell me? I can't talk about it, but I just need you to trust me. We follow your every whim. But you don't believe in any of it. And still, I follow. Because all that matters is that you are safe. But that's not all that matters. Who's keeping you safe? I do not need you to protect me. Sure about that? Pretender God! For the old father! Death can have me when it earns me. What do you even know of God's work? In your lifetimes, has anyone ever worshipped you? Ever prayed to you? Can you even imagine that kind of love? No! You don't care about anything beyond yourself. Beyond the monster who kills without cause. Bind you if you let it. Do what is necessary. Not because it is written. भाई 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 क्या ट्रेलर बनाई है। लगा ऐसे जैसे कोई पूरी एक्शन मूवी ही देख ली। तो अभी ये ट्रेलर देखने के बाद तो मेरी एक्सपेक्टेशन और भी ज़्यादा बढ़ चुकी है गॉड ऑफ वॉर के बारे में, क्योंकि जो भी मैंने एक्सपेक्टेशन रखी थी मन में तो उसके बहुत ही परे पहुंच चुकी है ये गेम और बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक इसका गेम प्ले रहने वाला है। तो पहले गेम में आपने देखा होगा कि फ्रेया का बेटा जो था बाल्दुर, जो कि थॉर का भी भाई था, उसे क्रेटोस ने मार दिया था और फ्रेया जो थी उसे बहुत प्यार करती थी। हालांकि बाल्दुर ने फ्रेया को मारने की भी कोशिश की थी, उसी के लिए क्रेटोस ने उसकी जान ली थी फ्रेया को बचाने के लिए। लेकिन फ्रेया जो थी आखिरकार बाल्दुर की माँ थी, इसलिए वो भी गुस्सा हो गई थी, तो तभी तो वो शांत बैठी थी। लेकिन इस गेम में शायद जो अगला पार्ट है वहाँ पर फ्रेया क्रेटोस का बदला लेने वाली है। हालांकि क्रेटोस ने फ्रेया को बचाने के लिए ही बाल्दुर की जान ली थी। तो यहाँ पर जो एट्रियस है, मतलब कि लोकी, वो भी अपने पिता मतलब क्रेटोस की बहुत ही ज़्यादा चिंता करता है और उसे भी बचाने की कोशिश करता है। लेकिन क्रेटोस उसे कहता है कि मैं तुम्हें बचाऊंगा, लेकिन तुम्हें मुझे बचाने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं फादर हूँ तुम्हारा। लेकिन एट्रियस उसे बोलता है कि चाहे जो भी हो जाए, मैं भी आपके प्रोटेक्शन करूँगा। तो और आखिरी केबलों में आपने देखा होगा कि थॉर भी वहाँ पर क्रेटोस के साथ फाइट करने वाला है और दोनों के जो वेपन्स है, म्योलनिर और क्रेटोस की जो लेवियथन एक्स है,
वो उनकी भिड़ंत होने वाली है बहुत बड़ी, और बहुत मज़ा आने वाला है। और उसमें जो बहुत बड़ा सा वो वल्फ है, जो भी लोकी का बेटा है, उसका भी बहुत बड़ा रोल होने वाला है। और जो नॉर्स मिथोलॉजी का गॉड ऑफ वॉर है टियर, उसे भी वो अपने साथ लेने वाले हैं, क्रेटोस और एट्रियस। तो जो मज़ा आने वाला है वो तो बहुत ही ज़्यादा नेक्स्ट लेवल का होने वाला है। तो इस पर अभी मैं क्या ही रिएक्शन दूँ, ज़बरदस्त और ख़तरनाक ट्रेलर। ऐसा लगा कि ये गेम ही मैंने खेल ली, लेकिन अभी देखेंगे कि जब गेम रिलीज़ होती है तो क्या देखने को मिलता है अलग अलग, लेकिन मज़ा तो बहुत ही ज़्यादा आने वाला है। तो अगर आपको ये रिएक्शन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और ऐसी बहुत सारी वीडियोस में बनाता रहता हूँ, तो जल्द ही मिलेंगे ऐसे ही एक और एपिसोड में। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर गाइस।